स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं विंडोज स्टोर एप्स के अंदर कॉन्सेप्ट वर्किंग विद ग्रिड ऐप टेम्पलेट। मतलब टेम्पलेट का मतलब देखो, जब भी टेम्पलेट का वर्ड यूज हो तो समझ जाओ कि पहले से कोई मेरे पास यूआई डिजाइन हुआ है और वो मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रिड ऐप होती है। ग्रिड ऐप, ग्रिड का मतलब रोज एंड कॉलम में जो डेटा हमारा डिस्प्ले हो रहा होता है, ठीक है। तो वो एक टेम्पलेट है जो हमें कौन प्रोवाइड करता है, विंडोज स्टोर ऐप प्रोवाइड करता है। मतलब हमारी बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसे होती है, ऐसी भी होती है जो कि इस टेम्पलेट को फॉलो करती है, ठीक है। मतलब इस टेम्पलेट के अंदर हमारे पास तीन पेजेस होते हैं और उन तीन पेजेस के अंदर पहले से कुछ डिजाइनिंग, मतलब कुछ कंट्रोल्स के थ्रू यूआई तैयार करके रखा हुआ होता है। मतलब हमें खुद से क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो हमारे पास और भी है, ठीक है, सिर्फ ग्रिड ऐप नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ग्रिड ऐप भी होता है, एक हब टेम्पलेट होता है, ठीक है, इसी तरह से और भी है, ठीक है। लेकिन आज हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, ग्रिड ऐप टेम्पलेट के ऊपर और इसको किस तरह से इसके साथ काम किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ विजुअल स्टूडियो पे और यहाँ पे आके एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, ठीक है। विजुअल सी शार्प सिलेक्ट करना है, फिर विंडोज 8 और यहाँ पे विंडोज, और मैं लेता हूं यहाँ पे देखो ब्लैंक ऐप। ब्लैंक ऐप मतलब बिल्कुल खाली, कोई भी ऐप नहीं होती। एक टेम्पलेट है हमारे पास हब ऐप, एक है ग्रिड ऐप जो अभी हम यूज करेंगे, और एक है स्प्लिट ऐप, ठीक है। मतलब ये ब्लैंक ऐप को छोड़ के ये जो तीनों आपके पास ऐप्स हैं, हब ऐप, ग्रिड ऐप, स्प्लिट ऐप, इसके अंदर पहले से कोई टेम्पलेट डिजाइन हुआ हुआ आपको मिलता है, सही है। हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रिड ऐप की, ठीक है। तो देखो ग्रिड ऐप जैसे ही सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो आपको प्रीव्यू में कुछ नजर आ रहा है, मतलब ये इस तरह की ऐप हमारे पास होती है ग्रिड ऐप। लेकिन अगर मैं ब्लैंक ऐप करूं तो ये बिल्कुल खाली होती है। मतलब आपको किस तरह से डिजाइन करना है वो आपके ऊपर चॉइस होती है। अगर मैं हब ऐप पे सिलेक्ट करूं तो देखो इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस है। स्प्लिट ऐप सिलेक्ट करूं तो कुछ इस तरह का हमारे पास इंटरफेस है। लेकिन मैं किस पे काम कर रहा हूं, ग्रिड ऐप, जो कि मोस्टली विंडोज स्टोर ऐप के जो डेवलपर होते हैं वो इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं ग्रिड ऐप को और इसका नाम मैं रख देता हूं ग्रिड ऐप टेम्पलेट, ठीक है, इसका नाम रखते हैं और ओके करते हैं, ठीक है। देखो ये एप्लीकेशन क्रिएट हो गई हमारी ग्रिड ऐप टेम्पलेट, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हमारे पास तीन पेजेस होते हैं, अगर आप नोटिस करो, ग्रुप डिटेल पेज, ग्रुप्ड आइटम्स पेज और तीसरा आइटम डिटेल पेज, ठीक है। मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे अभी आपको रन करूं, रन करके दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो ये जो ये पेज है ना, ग्रुप आइटम्स पेज, ये रन होता है सबसे पहले, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे रन करूं तो पहले आपको दिखाता हूं इसकी टेम्पलेट में कौन कौन सी चीजें हैं, फिर इसके ऊपर काम करते हैं। इसको रन करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आके मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूं तो देखो ये नजर आ रहा है आपको, मतलब इसके अंदर आइटम्स है, सही है, ये आपकी कहलाती है ग्रिड ऐप, ठीक है। देखो अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं तो देखो मेरे पास मल्टीपल ग्रुप्स बने हुए हैं, देख रहे हो, मतलब ग्रुप 5 तक मेरे पास, 6 तक मेरे पास ग्रुप्स है इसके अंदर, देख रहे हो। और देखो हर ग्रुप का एक ना एक आइटम है, देख रहे हो। मतलब यहाँ पे हम कोई इमेज डिस्प्ले करवा सकते हैं, इमेज का टाइटल डिस्प्ले करवा सकते हैं और उसका सब टाइटल डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं, मतलब ये अभी मेरे पास वो पेज शो हो रहा है ग्रुप्ड आइटम पेज, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, फॉर एग्जांपल आइटम के ऊपर बाद में क्लिक करता हूं, यहाँ पे देखो ग्रुप टाइटल, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ एक फूड रेस्टोरेंट की, ठीक है, मतलब रेस्टोरेंट की नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी एक ऐसी ऐप है जहाँ पे मुख्तलिफ फूड की उसको रेसिपी वो यहाँ से हासिल कर सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो पहला ग्रुप है, ये ग्रुप हो जाए फास्ट फूड, सही है, और ये जो जितने भी आइटम्स आ रहे हैं उसके अंदर सारे फास्ट फूड से रिलेटेड इमेजेस हो, और उसके ऊपर क्लिक करूं तो फास्ट फूड, मतलब फॉर एग्जाम्पल फास्ट फूड है ना,
इसमें पहला आइटम जिंगर बर्गर हो गया, दूसरा आइटम पिज्जा हो गया, ठीक है, इस तरह के मैं आइटम दे दूं, और जब वो उसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसके डिटेल्स मतलब जहां पे उसको रेसिपी मिलेगी उस पेज पे जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ग्रुप टाइटल के ऊपर, ठीक है। तो देखो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो एक और टेम्पलेट आपको नजर आ रहा है, मतलब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो उस ग्रुप की जो आपने पिक्चर सेट की होगी वो शो होगी, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और उसके जो ग्रुप के आइटम्स हैं वो आपको यहाँ पे भी शो हो रहे होंगे, सही है। मतलब यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो आप डिटेल्स पेज पे चले जाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं बैक पे जाऊं, देखो अगर मैं अभी इसके ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, तो देखो ये आइटम्स का डिटेल्स पेज है जो खाली है क्योंकि अभी मैंने कोई भी डिटेल्स इसके अंदर नहीं दी हुई, ठीक है। मैं बैक पे जाता हूँ, अपना जो मेन पेज है, मतलब ये तीन पेजेस होते हैं, एक तो ये आपको शो हो रहा है, एक पेज ये होता है, दूसरा पेज अगर मैं ग्रुप के ऊपर क्लिक करूं ये दूसरा पेज है जिसका टेम्पलेट पहले से डिजाइन है। फिर जाओ अगर आप किसी स्पेसिफिक आइटम को सिलेक्ट करते हो तो उसका डेटा यहाँ पे आपको शो हो रहा होता है, लेकिन अभी देखो हमें डेटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके लिए मुझे एक कोड ऐड करना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी मुझे जो सैंपल डेटा होता है ना वो शो होगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आके इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं और ये जो तीन पेजेस है, ठीक है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये ग्रुप्ड आइटम पेज, ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो इसका यहाँ पे ये डिजाइनर में आपको दिखाएगा इसका व्यू, मतलब देखो ये पहले से, अगर आप इसकी कोडिंग देखो ये पहले से ये सारी कोडिंग हुई हुई है, देख रहे हो, ये पहले से कोडिंग इस टेम्पलेट ने हमें पहले से करके दी हुई है, ठीक है, हमें जस्ट क्या करना है इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है, सही है। तो देखो ये इसका डिजाइनर लोड हो जाए, देखो नजर आ रहा है यही पेज था, मतलब जब मैं क्लिक कर रहा था तो पहला पेज मुझे ये शो हो रहा था, ठीक है, और दूसरा पेज मतलब जब मैं ग्रुप टाइटल के ऊपर क्लिक कर रहा था तब मैं कौन से पेज पे जा रहा था, ये देखो ग्रुप डिटेल पेज, मतलब ग्रुप की डिटेल्स, सही है। देखो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो इसका पेज ओपन होगा, तो देखो यही था ग्रुप वाला, सही है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल किसी भी आइटम के ऊपर क्लिक करता हूं तो उसकी डिटेल मतलब उस आइटम की रेसिपी मेरे पास शो होनी चाहिए, तो देखो अगर मैं आइटम डिटेल पेज पे जाऊं तो देखो ये हमारे पास बिल्कुल खाली है, नजर आ रहा है, मतलब इसके ग्रिड के अंदर नहीं है। तो देखो इसके ग्रिड के अंदर मेरे पास तीन लाइन का एक कोड है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ, वो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, सही है। देखो ये सिंपल सा कोड है जिसके अंदर इमेज है और उसके अंदर टेक्स्ट ब्लॉक जिसके अंदर डेटा शो होगा, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अब देखो ये कोड कॉपी करके पेस्ट कहां करना है इसको जरा गौर से देखना, देखो यहां पे आपको एक ग्रिड नजर आ रहा है, ये ग्रिड मतलब अभी इस ग्रिड के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब ये ग्रिड कौन सा वाला है, ये जो सेकंड रो है ना, पहली रो पे तो आपको नजर आ रहा होगा आइटम टाइटल वन, दूसरी रो मतलब इस ग्रिड पे मुझे काम करना है, तो देखो इस ग्रिड के एंड में जो फॉरवर्ड स्लैश आ रहा है मैं इसको हटाता हूं और इसको पेयर टैग बना लेता हूं, ठीक है, और वो जो दो लाइन मैंने कॉपी की थी वो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। देखो जैसे ही पेस्ट किया डेटा आ रहा है, मतलब ये जो इमेज शो हो रही है लेफ्ट साइड पे शो हो रही है, मतलब जो भी आइटम मैं सिलेक्ट करूंगा उसकी इमेज मुझे लेफ्ट साइड पे शो होगी, और ये टेक्स्ट ब्लॉक देखो ये किसके अंदर बंद है, स्क्रॉल व्यूअर के एक टैग के अंदर बंद है। स्क्रॉल व्यूअर का टैग क्या करता है, स्क्रॉल बार ओपन करता है, क्योंकि अगर हमारी रेसिपी बहुत बड़ी है तो वो नीचे भी पेज के जहां से स्क्रॉलिंग करके मेरा डेटा देख सकता है, ठीक है, सही है। मतलब आइटम पे क्लिक करूंगा तो उसकी इमेज और उसकी रेसिपी यहाँ पे शो होगी। अब एक चीज नोट करो, ये जो इमेज है इसको सोर्स कहां से मिल रही है, अगर मैं आपको यहाँ पे जाके इसकी सोर्स दिखाऊं, देखो इसकी सोर्स क्या हुई हुई है, बाइंड हुई हुई है, बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, सही है। मतलब इमेज पाथ, मतलब सोर्स के अंदर मैं इमेज का पाथ देता हूं ना, लेकिन इस इमेज का पाथ कहां से आ रहा है, इस इमेज पाथ की प्रॉपर्टी से। अब ये प्रॉपर्टी है कहां पे, मतलब डेटा कहां से आ रहा है, देखो अगर आप नोटिस करो ये इमेज और ये जो टेक्स्ट ब्लॉक है इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो भी आप नोटिस करना, देखो इसका जो टेक्स्ट है वो भी कहां हुआ हुआ है, बाइंड हुआ हुआ है, इसका मतलब इसका टेक्स्ट कहीं और से आ रहा है, कहां से आ रहा है इसको देखना है। देखो अगर मैं आपको यहां पे एक दफा फिर इसको अपनी जो मेरी एप्लीकेशन है इसको रन करके दिखाऊं, ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास आइटम शो है, अब देखो ग्रुप टाइटल वन
आइटम टाइटल वन, आइटम सब टाइटल, ये कहीं ना कहीं तो डिक्लेयर किए हुए हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं बाइंड हुए हुए हैं और वो यहाँ पे आ रहा है। देखो अगर मैं आइटम के ऊपर क्लिक करूं तो देखो ये सारा डेटा कहाँ से आ रहा है, मतलब कोई ऐसी जगह होगी ना जहां पे मैंने अपनी एप्लीकेशन का डेटा स्टोर किया हुआ है और उसको बाइंड करवाया हुआ है अपने यूजर इंटरफेस के कंपोनेंट्स के साथ, सही है। मतलब देखो ये सारा फेक है अभी, मतलब इसके अंदर मॉडिफिकेशन हमने करनी है, ठीक है। देखो ग्रुप टाइटल पे देखो, इसके अंदर भी ये जो डेटा आ रहा है ये कहां से आ रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया आप ग्रिड ऐप के साथ काम नहीं कर सकते। देखो मैं इसको स्टॉप करता हूं, सही है। और अब मैं यहां पे आता हूं, देखो एक बात मैं बताता जाऊं कि ये जो हमारी एप्लीकेशन के अंदर, मतलब जो तीन पेजेस हैं इनके अंदर जो डेटा बाइंड हुआ हुआ है वो एक जेसन फाइल से आ रहा है, ठीक है। मतलब एक जेसन आपको पता है एक फॉर्मेट होता है जो कि हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो डेटा होता है, मतलब एप्लीकेशन के अंदर जो डेटा डिस्प्ले करवाना होता है वो जेसन के अंदर रखा हुआ है। जेसन आपको पता है लाइट वेट होता है, सही है, मतलब हमारी एप्लीकेशन को हैवी नहीं होने देता, ठीक है। तो देखो ये जेसन की फाइल हमें मिलेगी कहां पे, देखो जब भी आप ग्रिड ऐप इंस्टॉल करते हो, मतलब अपनी इस पे काम करते हो, तो ये तीन फोल्डर आते हैं, एसेट्स, एसेट्स के अंदर तो इमेजेस होती हैं आपको पता है, कॉमन है, और एक डेटा मॉडल है। देखो इस डेटा मॉडल को एक्सपेंड करो तो देखो यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी जिसका क्या नाम है, सैंपल डेटा डॉट जेसन, सही। देखो अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूं आप रिजल्ट देखना, देखो ये जेसन का फॉर्मेट है, सही है। अब देखो यहाँ पे ग्रुप देख रहे हो, मतलब ये ग्रुप्स, मतलब ये जेसन का एक फॉर्मेट है, उसके थ्रू यहाँ पे सारा काम हुआ है। अब देखो ये जो आपके पास ग्रुप वन है, देख रहे हो ये जो ग्रुप वन है, ये कौन से ग्रुप वन की बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आऊं, ये देखो ग्रुप टाइटल वन, मतलब ये जो पूरा ग्रुप है ये कहां से उठ के आ रहा है, मतलब इसका डेटा कहां से आ रहा है, हमारी जेसन की फाइल से आ रहा है। देखो मैं यहाँ पे ये ग्रुप वन है ना, मतलब पहला ग्रुप, इसका जो पहला आइटम है, देखो ये करली ब्रैकेट, ये पहले बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। अगर मैं इस पहले बॉक्स का टाइटल चेंज करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूं रेसिपीज है ना, मैं यहाँ पे कहता हूं जिंगर बर्गर, और जिंगर बर्गर फास्ट फूड की कैटेगरी में आता है ना, तो देखो ये जो ग्रुप टाइटल है इसको मैं क्या कर देता हूं, फास्ट फूड, समझ रहे हो, सही है। और यहाँ पे जिंगर बर्गर है ना, ठीक है, मतलब इसका ये जो फास्ट फूड का ग्रुप है उसका जो पहला आइटम है उसका नाम क्या है, जिंगर बर्गर है। और उसके सब टाइटल में मैं यहाँ पे कह देता हूं रेसिपी ऑफ जिंगर बर्गर, ठीक है। और उसकी अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हो तो यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रिंग के अंदर डेटा दिया हुआ है और उसका जो सारा कंटेंट है, मतलब जो एक्चुअल रेसिपी है वो आप कंटेंट के अंदर दोगे, मतलब यहाँ पे जो भी डेटा दोगे वो बाइंड हुआ हुआ है हमारे पेजेस के अंदर, सही है, याद रखना, ठीक है। तो देखो मैंने अभी जिंगर बर्गर दिया है, फास्ट फूड की कैटेगरी दी है और यहाँ पे ये दिया। अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखो, ठीक है, देखो ये वाला पेज है ना, देखो अभी तो आपको यहाँ पे मैंने चेंज तो कर दिया लेकिन अभी नजर नहीं आ, अभी ग्रुप टाइटल वन ही हुआ है। ये जो बाइंडिंग होती है ना ये होती है रन टाइम पे, मतलब ये डिजाइन टाइम पे आपको बाइंड करके नहीं दिखाएगा, ये जब आप एप्लीकेशन रन करोगे ना तब दिखाएगा। देखो मैं यहाँ पे आके रन करता हूं, ठीक है। अब देखो मैंने ग्रुप का नाम क्या रखा था, फास्ट फूड, और पहले आइटम का क्या नाम रखा था, जिंगर बर्गर, और उसका सब टाइटल क्या दिया था, रेसिपी ऑफ जिंगर बर्गर। मतलब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो ये डेटा आ रहा है कंटेंट का, मतलब जो मैं कंटेंट के अंदर जो भी रेसिपी दूंगा वो डेटा यहाँ पे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आइटम को, यहाँ पे कुछ आइटम जो है ना इस ग्रुप के, मैं आपको उसको सेट करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ जेसन में जाओ, सही है, और यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ इमेजेस है, वो इमेजेस मैं एसिड्स के फोल्डर के अंदर डाल लेता हूँ क्योंकि आपको पता है एसिड्स के अंदर सारी हमारी इमेजेस होती हैं। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, एड पे जाते हैं और एग्जिस्टिंग आइटम, ठीक है, मैंने कुछ पिक्चर्स पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं वो अपनी एप्लीकेशन में ऐड करता हूँ। देखो फूड पिक्स के नाम से, सही है, और यहाँ पे देखो ये मेरे पास कुछ देसी फूड है और कुछ मेरे पास ये फास्ट फूड है, मैं इन सबको कंट्रोल ए करता हूँ और ऐड करता हूँ, ठीक है।
तो ये मेरे पास यहाँ पे देखो ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जिंगर है ना, मतलब वो जो आइटम है ना उसके अंदर मुझे इमेजेस भी डिस्प्ले करवानी है। तो देखो ये जो इमेज पाथ है, अब नोट करो ये किसके साथ बाइंड हुआ हुआ था, हमारा जो बॉक्स की जो इमेज शो रही है ना उसके साथ बाइंड हुआ हुआ है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास जिंगर बर्गर है ना, तो मेरे पास जिंगर के लिए एक मैंने यहाँ पे इमेज रखी हुई है, देखो जिंगर सही है। यहाँ पे आके F2 प्रेस करो और कंट्रोल C करके इसका पाथ कॉपी कर लो, और एसिड्स के बाद यहाँ पे आप वो पाथ पेस्ट कर लो, सही है, और इसको यहाँ पे सेव कर लो। और देखो ये जो कंटेंट है, सही है, इसके अंदर मैं डेटा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे गूगल पे एक रेसिपी का पेज ओपन किया हुआ है, ठीक है। देखो मैं यहाँ से ये कुछ कंटेंट कॉपी करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कंटेंट है, और इसको मैं पेस्ट कहाँ पे करूंगा, कंटेंट के अंदर, याद रखना। मतलब जो आइटम डिटेल पेज में जो डेटा शो रहा था ना रेसिपी का, वो जब आप यहाँ पे दोगे ना इस कंटेंट के स्ट्रिंग के अंदर, तब शो होगा। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके एंड पे जाता हूँ, मैं वो जो कोड कॉपी किया है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, सही है। तो देखो ये सारा डेटा एक लाइन में आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगर आपको लाइन ब्रेक्स देने, ठीक है, तो लाइन ब्रेक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश एंड यूज करते हैं। मतलब जहां जहां, मतलब आप चाह रहे हो कि आपकी जो रेसिपी है उसका पहला पैराग्राफ शो हो, उसके बाद दो लाइन ब्रेक्स आ जाए, ठीक है। मतलब ये सारी चेंजिंग कहां पे नजर आएंगी, जो हमारा आइटम का डिटेल पेज है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं दो दे देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं दो दे देता हूँ, ठीक है। अब ये आपको नजर आएगा, सही है। देखो जिंगर बर्गर मैंने दिया, इसके अलावा मेरे पास पिज्जा के लिए है। देखो मैं सेटिंग सेकंड आइटम में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये जो मेरे पास टाइटल है मैं इसको कह देता हूँ, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल पिज्जा, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ सब टाइटल में रेसिपी ऑफ वेजिटेबल पिज्जा, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी भी इमेज है मेरे पास, वेजिटेबल पिज्जा की भी एक इमेज है, वो मैं कॉपी करके, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ये रहा, ठीक है। F2 प्रेस करो, इसका पाथ कॉपी करो और यहां पे आके ये देखो यहां पे इसकी जगह पे पेस्ट कर दो, ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया, सही है। तो अब देखो दो आइटम्स मैंने यहाँ पे सेट किए, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं और अब मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। आप देखो फास्ट फूड के ग्रुप में मैंने कितने आइटम्स दिए थे, एक जिंगर बर्गर और दूसरा वेजिटेबल पिज्जा, ठीक है। देखो जिंगर बर्गर का मैंने रेसिपी दी थी ना, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखो इसकी इमेज शो हो रही है और वो जो मेरे पास रेसिपी थी और उसके बीच में मैंने लाइन ब्रेक्स भी दिए हुए थे, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आप डेटा यहाँ पे बाइंड करवा सकते हो, मतलब जेसन की फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, याद रखना। देखो मैं बैक जाता हूं और अगर मैं अब इस ग्रुप टाइटल के ऊपर क्लिक करूं, देखो ग्रुप टाइटल पे क्लिक करूं तो देखो पहले दो ग्रुप्स में डेटा आ रहा है। मतलब देखो जो जेसन से डेटा आ रहा है ना, वो सिर्फ एक पेज पे बाइंड नहीं हुआ हुआ, वो दो पेजेस पे, मतलब मल्टीपल पेजेस पे, तीनों पेजेस पे बाइंड हुआ हुआ है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, उस आइटम के पेज पे चला जाऊंगा, ठीक है। मतलब अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन हो जिसमें आपको रेसिपीज वगैरह, फॉर एग्जांपल मेडिसिन की इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब बहुत सारी, मतलब ये जो ग्रिड ऐप टेम्पलेट है ये बहुत सारी जगहों पे यूज हो सकती है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे देखो मेरे पास ये जो ग्रुप है फास्ट फूड का, इसके अंदर अभी कितने आइटम्स हैं, पांच आइटम्स हैं, सही है। अगर मुझे आइटम बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है। देखो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूं, मैं आता हूं अपनी जेसन की फाइल में, ठीक है। तो देखो यहां पे मैं नीचे आता हूं, अब देखो ये, देखो ये जो मेरा ग्रुप वन है ना, इसका लास्ट आइटम कौन सा है, आइटम फाइव, पांच ही आइटम्स है ना, मुझे छठा आइटम देना। तो देखो ये जो कोड आपको नजर आ रहा है, मतलब ये जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और कर्ली ब्रैकेट एंड हो रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक आइटम के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे छठा आइटम भी चाहिए, तो मैं यहां से कॉपी करता हूं, लेकिन अब देखो
छठा आइटम दे रहा हूं ना, तो पांचवे आइटम का जो कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पे कॉमा लाजमी देना है। कॉमा देने के बाद जो कॉपी किया था वो आप यहाँ पेस्ट कर दो, और यहाँ पे देखो इसकी जो यूनिक आईडी है वो आप आइटम सिक्स कर दो, और यहाँ पे आइटम टाइटल सिक्स कर दो, और आइटम सब टाइटल भी इसको सिक्स कर दो। तो अब अगर मैं यहाँ पे रन करूं तो अब आप रिजल्ट देखना कि वो जो फास्ट फूड का एरिया है उसमें छठा आइटम भी आपको शो होगा। ठीक है, देखो फास्ट फूड का आइटम देखो छठा आ गया, सही है, आइटम टाइटल सिक्स, सही है। अब देखो इसी तरह मल्टीपल ग्रुप्स हैं, मतलब अभी मैंने एक ग्रुप पे काम किया है ना, फॉर एग्जांपल दूसरे ग्रुप पे आते हैं, देखो मैं यहाँ पे आके स्टॉप करता हूँ, मतलब ये जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं, ये कहाँ पे बने हुए हैं, जेसन की फाइल में बने हुए हैं, मतलब जो भी आपने डेटा अपना देना है वो यहाँ पे देना है। तो देखो यहाँ पे अब देखो ये मेरा दूसरा ग्रुप शुरू हो रहा है, देख रहे हो क्या नाम है इसका, ग्रुप टू। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसका टाइटल देता हूँ, इसका मैं टाइटल देता हूँ देसी फूड्स। अच्छा एक बात याद रखना, साइंटेक्स की बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है जेसन के अंदर, अगर कहीं से भी एक डबल कोट हट गया, कॉमा हट गया, तो यहीं पे आपको कंपाइल टाइम एरर देगा। ठीक है, तो देखो यहां पे मैं आता हूं और यहां पे मैं कह देता हूं डिस्क्रिप्शन में रेसिपीज ऑफ देसी फूड्स। ठीक है, और यहां पे कुछ आइटम की, मतलब देखो आप ग्रुप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, मतलब एक ग्रुप की इमेज भी दे सकते हो और पूरे ग्रुप की डिस्क्रिप्शन के इस ग्रुप में आपको क्या क्या मिलेगा वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला आइटम है, ठीक है, पहला आइटम फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास एक इमेज है चिकन कढ़ाई की, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूं, ठीक है, यहाँ पेस्ट करते हैं इसको, और सब टाइटल में इसमें मैं कह देता हूं रेसिपी ऑफ चिकन कढ़ाई। ठीक है, और यहाँ पे उसकी इमेज भी दे देता हूं, मतलब ये दूसरे ग्रुप पे काम कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे हमारे पास एक इमेज थी मैंने चिकन कढ़ाई की, ठीक है, फर्स्ट पे F2 प्रेस करो, कंट्रोल सी करो, कॉपी करो, और एसिड्स के बाद यहाँ पे आके आप क्या कर दो, इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, सही है, और डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हो, कंटेंट देना चाह रहे हो। अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना, कंटेंट के अंदर जो आप डेटा दोगे चाहे वो फॉर एग्जाम्पल 100 लाइंस पर ही क्यों ना मुश्तमिल हो, लेकिन एक ही लाइन में लिखना है। मतलब देखो मैंने फॉर एग्जाम्पल 6-7 लाइंस कॉपी की थी ना, उन 6-7 लाइंस को मैंने कंटेंट के अंदर एक ही लाइन में लिखा है। अगर एक ही लाइन में नहीं लिखोगे ना तो एरर देगा, मतलब अगर आप चाह रहे हो कि मल्टीपल लाइंस में ही लिखूं मैं तो ऐसा नहीं होगा, मतलब उस पर कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा, याद रखना। देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं यहाँ पे आके एंटर कर दूं, तो देखो एरर आ रहा है, सही है, मतलब मल्टीपल लाइंस में आपने डेटा नहीं देना, एक ही लाइन में कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया, सही है। तो फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे आके रन करता हूं, मतलब अब मैंने दो ग्रुप बनाए हैं, उसके अंदर दूसरे ग्रुप के अंदर एक आइटम दिया, तो अगर मैं यहाँ पे आके अब इसको रन करूं, ठीक है, अब देखो ये मैंने देसी फूड्स दिया और इसका पहला आइटम देख रहे हो, सही है, मतलब इसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे उसकी इमेज और जो भी आप रेसिपी वगैरह दोगे वो यहाँ पे आ जाएगी, और अगर इसके ग्रुप के ऊपर क्लिक करो तो देखो पहला आइटम यहाँ पे भी शो हो रहा है। ठीक है, तो मतलब इस तरह से हम काम करते हैं ग्रिड ऐप टेम्पलेट के ऊपर, जो कि विंडोज स्टोर ऐप के अंदर काफी यूज की जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।